जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं है और स्टॉक में देखेंगे तो इन दिनों ग्रीन ग्रीन ही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन चार्ट पर इस कंपनी के जिस तरीके के संकेत बन रहे हैं उसको देखकर अब लगता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक जल्दी तेजी आने वाली है। तो जब ऐसे मौक़ों पर आप सही समय पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या पहले से भी इसमें बने हुए हैं तो ध्यान देते हैं तो आपका पैसा बनने के चांसेस होते हैं। तो विकास इकोटेक में इसी मुद्दे पर आज डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करते और हर एक पहलू को इसमें टच करते हुए चलेंगे। अभी देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3.05 रुपये के आसपास चल रहा है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर देखेंगे तकरीबन 2% के आसपास आपको तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की बात करें तो यानी कि पिछले एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में भी तकरीबन 2% के आसपास ही आपको यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। मतलब तेजी आपको सामान्य देखने को मिल रही है, एक दिन की बात करें या एक सप्ताह की बात करें। यहां पर भी देखेंगे तो इस कंपनी का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ज्यादातर स्टॉक इन दिनों देखेंगे तो अपर सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में स्टॉक अभी, चूंकि अभी तेजी अभी आनी शुरू हुई है इसलिए एक मंथ का रिटर्न अभी भी निगेटिव में है। ये जो एक सप्ताह और एक दिन की तेजी अभी आनी शुरू हुई है, ये कुछ दिनों तक यदि बरकरार रहती है तो ये जो एक मंथ का रिटर्न आपको निगेटिव में दिख रहा है 10.5% के आसपास, यह भी पॉजिटिव में आ जाएगा। हालांकि यहाँ से देखेंगे तो ये ग्राफ अब ऊपर की तरफ जाने लगा है, यानी कि कुछ दिनों तक ये और ऊपर आया तो ये जो एक मंथ का रिटर्न यहाँ पर निगेटिव में था, इससे ऊपर निकलेगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में तकरीबन 15.5% के आसपास से स्टॉक आपको निगेटिव रिटर्न देते हुए यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग विकास इकोटेक को सबसे पहले चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस कंपनी का चार्ट यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से क्या कहता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से शेयर में क्या होने वाला वो हमें पहले पता चल जाता है। यहाँ पर देखेंगे अभी मैंने आपके लिए 1 साल का चार्ट ओपन किया और 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी के लिए 3 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 3 रुपये के लेवल के आसपास, जैसे ये जो आप लाइन देख रहे हैं 3 रुपये का लेवल है, यहाँ पर कंपनी ने मल्टीपल बार देखेंगे 1, 2, 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस इस 3 रुपये के नीचे चल रहा है। हालांकि 3 रुपये के आसपास ही चल रहा है, लेकिन फिर भी 3 रुपये के लाइन के नीचे इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। और जो अभी क्वार्टर फोर का नंबर आए हैं वो यदि अच्छे आए रहते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता था कि ये जो प्राइस अभी नीचे चल रहा है ये अभी नीचे नहीं चल रहा होता, बल्कि ये इस लाइन के ऊपर चल रहा होता। और यदि ये इस लाइन के ऊपर, चूंकि अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर चला गया होता तो आराम से ये जो लेवल देख रहे हैं आप 3.5 रुपये का, इसको कभी का ब्रेक कर दिया होता। तो अभी इस स्टॉक में क्या हो सकता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये पता चलता है कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे घूम रहा है, कुछ दिनों तक ऐसे ही नीचे घूमते रहेगा। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि 2.5 रुपये के लेवल के आसपास ये प्राइस नहीं आना चाहिए। 2.5 रुपये के लेवल के आसपास जाएगा भी नहीं, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, उतना मतलब क्वार्टरली रिजल्ट से इसको कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और यहीं पर घूमते घूमते इस दोनों के रेंज में कुछ दिनों तक समय बिताएगा और नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट का आने का इंतजार करेगा। या ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा फिर इसके ऊपर आ जाए और फिर 3.5 रुपये से लेकर 3 रुपये इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिनों तक घूमते रहे नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने तक, यानी कि इसके बाद जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर कैसे हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक बार हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे सेल्स जो हुआ मार्च क्वार्टर में देखेंगे 68 करोड़ के आसपास हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ के आसपास था। पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे जो तीनों क्वार्टर में कंपनी के जो सेल्स हुए हैं लगातार पिछले क्वार्टर मुकाबले कम होते गए हैं, और जैसे जैसे कंपनी के सेल्स कम हुए उसी हिसाब से कंपनी का एक्सपेंसेस भी जब आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में कम हुई है। अच्छी बात है कि कमाई कम हो रही है तो कंपनी अपने खर्चे भी कम कर रही है, नहीं तो फिर इससे क्या होता, कंपनी के ऊपर लॉस बढ़ता और अभी आपको पता है कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी भी प्रॉफिट में चल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ये रहा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट देखेंगे 1.79 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि यह भी पिछले कुछ क्वार्टर में कम हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के सेल्स कम हुए हैं और जब सेल्स कम हुए तो इसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम होते हुए दिखाया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है डेप्ट आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी आपने अवकाश से अधिक खर्चा नहीं करी। ये रहा बोरो यानी कि डेप्ट, और यहाँ पर देखेंगे मार्च क्वार्टर में कंपनी का डेप्ट कम हुआ है 62 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से इस कंपनी का जो कर्जा है कम होते हुए आपको दिख रहा है। और ये रहा रिजर्व यानी कि फ्री कैश फ्लो जो कंपनी के पास होता है वो देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि फंडामेंटल कंपनी का ठीक है। अभी क्वार्टर फोर का जो नंबर आया वो बहुत अच्छा नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा आएगा और उसके बदौलत कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट आपको बनते हुए दिखेगा। तो विकास इकोटेक में अभी शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से तो मैंने ये बता दिया। देखिए इस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी का काम और बाकी फंडामेंटल कैसा है, तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए क्योंकि इसके ऊपर मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ। हालांकि आपको व्यक्तिगत तौर पर इस कंपनी के बारे में मुझसे कुछ पूछना है जानना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे इंस्टाग्राम पर बातें कर सकते हैं। बाकी यदि आप ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एंजल वन एम स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।